फगवाड़ा नज़दीक पिंड पलाही विखे स्थित मस्जिद विखे पंजाब स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सदर जमहीयत उर हिंद पंजाब मुफ्ती खालीन साहिब उन्हां दे सपुत्र मुफ्ती यूसफ अते हाफिज कमाम यासीन दा पहुंचण ते मुस्लिम समाज के सीनियर आगू सरबर गुलाम सभा ते होरना मुस्लिम समाज के आगूआं वलों निकाह स्वागत किया गया। इस दौरान जिथे सरबर गुलाम सभा वलों आए हुए मेहमानों नूं फुल्लां दे बुके दे के जी आए नूं कहा गया। उत्थे ही आए हुए मेहमानों ने दस्सिया कि इस मस्जिद विच जो मुस्लिम समाज के बच्चों नूं तालीम दिती जा रही है वह शलाघाजोग उपराला है। उन्हां कहा कि वह अल्लाह ताला अगे दुआ करते हैं कि बच्चे इत्थों तालीम सीख के आपसी भाईचारक सांझ नूं होर मजबूत करन। उन्हां बच्चों नूं तालीम देने दे इस उपराले की मस्जिद के प्रबंधकों की शलाघा की। जिला कपूरथला के अंदर फगवाड़ा उस दे अंदर हाजिरी हुई और उस दे अंदर बच्चों की तालीमी काबिलियत और सलाहियत भी देखी गई। माशाल्लाह तालीम काबिलियत नान है और इस दे अंदर मेहनत है जिम्मेदारों की। आर्य गयूर साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद रसीम साहब उन्होंने हजरात ने ऐसे उजाड़ इलाके के अंदर एक दीन का इलम का रोशन रंग जलाया है और उसकी रोशनी का उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगे नूं लोगों नूं फायदा पहुँचूगा, इलाके नूं फायदा पहुँचूगा। और अल्लाह की दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला इस इदारे नूं तरक्की अता फरमावे और हर किस्म के शरूर तन तो महफूज रखे। इसके अंदर इलाके के जिम्मेदार भाई सरवर साहब की भी बहुत मेहनत और कोशिश है। इस मदरसे के नाल उन्होंने वो खास ताल्लुक है। इलाके के जिम्मेदार आदमी ने जिन्हें जमीत उलमा के सिलसिले के अंदर भी बड़ी खिदमत है और हर मुसलमान भाईचारे जो दिक्कत आती है उस दिक्कत को दूर करने का जरिया बनते हैं और कोशिश करते हैं और फलाही कमान अंदर हमेशा सरगम तक सरगर्म रहते हैं। अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह इन हजरात को ज़्यादा तो ज़्यादा हिम्मत बख्शे और दीनी कमान के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल करता रहे। अज दारुलूम शेख उल हिंद फगवाड़ा विखे जनाब कारी गयूर साहब जो कि जमीयत उलमा लुधियाना के सदर ने इन्हों मदरसे आना होया बच्चों की तालीमी कारकरदगी का जायजा लैण दे ली कि तालीम कैसी है और बच्चे कैसी तालीम हासिल करते हैं। मेरे नाल इतों के मोहतबर हजरात विचों जनाब साढ़े बड़े गुलाम सरवर साहब भी खड़े है। ये इतने के जिम्मेदार ने, मदरसे के भी जिम्मेदार ने, इलाके के भी जिम्मेदार ने और अलहमदुल्ला इतने पहुँच के बच्चों की तालीम देख के बड़ी दिली खुशी महसूस हुई है कि ऐसे इलाके के अंदर जिथे आबादी भी घट है और दूर दराज तक सहूलत भी नहीं हैं ऐसे इलाके के अंदर हजरात बैठ के दीन की खिदमत कर रहे हैं, प्यार और मुहब्बत के पैगाम आम कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा हमेशा ही प्यार और मुहब्बत की गल करती है। इस मदरसे के अंदर अमनो अमान की तालीम दी जाती है, प्यार की तालीम दी जाती है, एक दूसरे के नाल हमदर्दी करन दी, एक दूसरे की मदद करन दी तालीम दी जाती है। तो इत्थे आके बहुत खुशी महसूस हुई। मैं दुआ करदा अल्लाह ताला इत्थे दे जिम्मेदारान हजरात नूं और इत्थे दे असातज़ा नूं कबूल फरमाए, इन्हां दी मेहनतां नूं भी कबूल फरमाए। इत्थे दे बच्चों की जिहड़ी तालीमी कारकरदगी है अल्लाह उसनूं जारी और सारी फरमाए और मजीद तरक्कियात दे नाल अल्लाह पाक नवाजे और ये सिलसिला जिहड़ा मदरसियां दा है प्यार और मुहब्बत दे पैगाम दा है मुल्क दे कोने कोने तक पहुँचे और मुल्क दे अंदरों पूरी दुनिया दे अंदर पहुँचे ताकि जिहड़े नफरत करन वाले लोग ने साडे दरम्यान दे विच टुकड़े करन वाले लोग ने साडे दरम्यान च किसी भी किस्म नूं लैके वितकरा करन वाले लोग ने उन्हां नूं समझ आ सके और ये पता चल सके कि ये मुल्क जिहड़ा है ये हमेशा तो प्यार और मुहब्बत नाल चलता आया है और अगर इस मुल्क नूं बचाना है, जिंदा रखना है तो प्यार और मुहब्बत ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिहदे नाल इस मुल्क नूं जिंदा रखा जा सकता है। उधर सरबर गुलाम सभा ने दस्या कि उन्होंने खुशी है कि पंजाब स्टेट हज कमेटी के आगू इस मस्जिद विखे बच्चों नूं दिती जा रही तालीम का दौरा करने लिए पहुंचे ने जिसलिए वह इन्हों आगुआ का तह दिलो इस्तकबाल करते हैं। उन्हें विश्वास दवाया कि उन्होंने वालों आने वाले समय में भी इस तरह के कार्य मुस्लिम समाज के बच्चों जारी रखे जाएंगे। अज साडे विच साडी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत चेयरमैन पंजाब स्टेट हज कमेटी और सदर जमीयत उलमा हिंद पंजाब उन्होंने मुफ्ती खलील साहब और उन्होंने साहिबजादे मुफ्ती यूसफ साहब और साढ़े हाफिज कराम जी और यासीन साहब मलेरकोला तो तशरीफ लैके आए हैं साढ़े मदरसे विच
ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਲੀਮੀ ਮਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਲੀਮੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।